अलैक्म। तो इस वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो है FPSC लेक्चरर जॉब्स। अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी आपको ऑफर सैलरी की जा रही है 80,000 से 2,500, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जो एज है वो है 20 से 38। उसके अलावा इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो स्किल्स होने चाहिए, एक तो इंजीनियरिंग के स्किल्स होने चाहिए, दूसरे आपके पास स्किल्स होने चाहिए टीचिंग के। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजिग्नेशन है जिसमें डायरेक्टर है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एडमिन हो गया, टीचिंग जॉब्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, आपके पास मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्टर एंड इंजीनियर, ये तमाम तो टाइप्स की आपकी डेजिग्नेशन है। अगर आप इसमें किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है MS है, PhD है या मास्टर है या बैचलर है जो कि MEd या BEd के साथ है, अगर आप टीचिंग लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो रिलेटिव जो स्किल्स आपके पास होने चाहिए वो टीचिंग के होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 38। तो इसी एज के दरमियान अगर आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं। आपने इसमें अगर अप्लाई करना तो अप्लाई किस तरह करनी है, अप्लाई करने के लिए आपने ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने सिंपली लिखना है FPSC। जैसे आप इसको लिखेंगे आपने इंटर दबा देना है। तो जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट कॉर्नर में मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपके आपने आके इधर आ जाना है यहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट पे। तो अब यहाँ पे भी आपने सिंपली यहाँ पे आके इंटर दबा देना है इस जगह पे, ठीक है जी। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, आपके पास फिर इस तरह से फेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये फेज आपके पास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइप्स के स्टेप्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वन अप्लाई ऑनलाइन का, सेकंड वन आपके पास टेक प्रिंट आउट का, ठीक है जी। थर्ड वन रिट्राइव आईडी का। उसके अलावा यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर आप टेस्ट सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट वन है आपका अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना चाहते हैं तो आप सेकंड वन पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है यहाँ पे रिट्राइव ट्रैकिंग आईडी। बाज़ औक़ात जो एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं लेकिन उनके पास जो ट्रैकिंग आईडी है वो गुम हो जाती है, तो वो यहाँ पे वो अपनी ट्रैकिंग आईडी को रिट्राइव भी कर सकते हैं। थर्ड वन आपके पास एप्लीकेशन की गाइडलाइंस है कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें तो वो भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं लेकिन आपको कहीं पे लगता है कि आपने एप्लीकेशन आपने जब डाउनलोड कर लिया वहाँ पे कोई मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे आप आके अपनी एप्लीकेशन एडिट और अपडेट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट टू जो अप्लाई की लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है जी। उसके अलावा इन केस अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। वो सेंटर आपने किस तरह चेंज करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चेंज ऑफ एग्जाम और टेस्ट सेंटर। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे चेंज ऑफ एग्जाम और टेस्ट सेंटर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास चेंज एग्जाम और टेस्ट सेंटर आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ CNC नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन ये जो आपको मिला हुआ यही नीचे पुट करेंगे तो यहाँ पे आप अपना अपडेट डाटा कर सकते हैं, ठीक है जी। इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए आपने बैक पे आ जाना है, ठीक है जी। जैसे आप बैक पे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है इधर आपने जैसे इंटर दबाएंगे फिर इस तरह से कुछ आपका फर्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपको 10 मिनट्स पे ये कंप्लीट करना पड़ता है। इसको आपने कंप्लीट किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन आपने यहाँ पे अपनी जो है ना पोस्ट है वो पोस्ट का नेम सेलेक्ट करना है इधर से, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंस्पेक्टर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए और भी बहुत सी पोस्ट हैं जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डिप्टी डायरेक्टर पे, तो यहाँ पे मैंने डिप्टी डायरेक्टर पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको जो तमाम तर जॉब्स डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो है इसका मिनिस्ट्री और लाइब्रेरीज का डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। इसका जो स्केल्स है 18 है। उसके अलावा इसकी जो जॉब ड्यूटीज है यहाँ पे उसकी तमाम तर जॉब ड्यूटीज भी आपको बताई हुई है कि ये आपकी ड्यूटीज होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। इसकी जो जॉब स्टेटस है वो है टेम्परेरी, ठीक है जी, लेकिन लाइकली टू बी कंटिन्यू होगी। इसमें जो अप्लाई कर सके हैं बोथ मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो एज है डायरेक्टर की वो है 25 और मैक्सिमम एज है 35। उसके अलावा 500 जो एयर्स है रिलैक्सेशन भी आपको इसमें दी गई है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में।
या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये डाटा है जो कि आपको फिलअप करना है। किस तरह फिलअप करना है मैं आपको बताता चलता हूँ। फर्स्ट वन पे आपने यहाँ पे सीएनएसी नंबर जी लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका सीएनएसी नंबर आ गया। सेकंड वन पे आपने डिपॉजिट स्लिप बताने है, किस स्टेट को आपने जो चलाने पे किया है। तो यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है फी डिपॉजिट, जो आप 16 ग्रेड तक किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी होगी 300। उससे अबव जो 18 तक होती है वो होती है 7500। उसके अलावा जो 19 से जो 19 स्किल्स के वो है 1200। उसके अलावा जो अबव है उसके हैं 1500। तो यहाँ पे अगर 16 ग्रेड के लिए अब हम अप्लाई करना चाह रहे हैं 18 ग्रेड के लिए, तो यहाँ पे हम 7500 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम हमने बताना है कि किस बैंक नेम में हमने ये चालान पे किया था, तो मैं नेशनल बैंक सेलेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद यहाँ पे उस ब्रांच कोड का नेम लिखना कि किस ब्रांच में आपने ये चालान जमा कराया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैंक लोकेशन बतानी है कि किस लोकेशन पर ये बैंक मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने चालान डाउनलोड करना है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका चालान डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए जी आपको चालान डाउनलोड होने को मिल जाता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है स्टेप वन पे, उसके बाद आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो रूरल जो है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे अपने मेल एंड फीमेल जो भी है दो भी प्ले दोनों प्ले कर सकते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उसके अलावा यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपने अपना टेस्ट सेंटर बताना है कि कौन सा टेस्ट सेंटर आप रखना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू सेंटर। उसके बाद आपने बताना है कि इसका एक्सपीरियंस जो है पड़ा आप उसी पोस्ट पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद आपने जो लेटेस्ट डिग्री की जो रिजल्ट डिग्री है डेट है आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, आपने यहाँ पे नन कर देना है इन केस अगर आपकी जॉब नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपने जो अबव कोड है वही आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि वेरिफिकेशन कोड आप उसे पुट करो, तो हम यहाँ पे इसको सही तरह से वेरिफिकेशन पुट करके प्रोसीड टू स्टेप टू पे जाएंगे, ठीक है जी। तो जी आपके पास अब आ गया स्टेप टू। स्टेप टू पे आपने जेपीजी फाइल अपलोड करनी है अपनी पिक्चर, जिसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 30 KB। तो आप 30 KB किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे आप अपने इमेज टू 30 KB लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। जो भी आपका फर्स्ट ब्राउजर आपका ओपन हो जाए यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करके अपना साइज कम कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना सीएनएससी रीएंटर करना है। उसके बाद सीएनएससी की इशू डेट बतानी है, इधर आपने अपना नेम लिखना होगा, इधर आपने फादर नेम लिखना है, इधर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, इधर इन केस अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो बतानी है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं करना आपने। इसके बाद आपने इधर पोस्ट का एड्रेस बताना है, इधर आपने मोबाइल नंबर अपलोड करना है, इधर आपने अपना फोन नंबर बताना है, इधर आपने ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। उसके बाद आपने सेकेंडरी अगर आपका दूसरा ईमेल है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो उसके बाद ये आपने क्या करना है, यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे बतानी है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है सेकंड लास्ट में एजुकेशन। एजुकेशन आपने किस तरह एड करनी है, आपने एड एजुकेशन पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन आपको क्वालिफिकेशन के, फिर आपने रिजल्ट डेट बतानी है जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट होती है आपके रिजल्ट कार्ड पे। उसके बाद यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, इधर आपने ग्रेड बताना है ग्रेड बता सकते हैं, डिवीजन बतानी है वो बता सकते हैं, सीजीपी बतानी है वो बता सकते हैं, और आपने जो डिग्री प्रोग्राम थी अगर मैट्रिक है एफएससी उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक है तो यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने रिजल्ट डिग्री डेट बतानी है इधर से। उसके बाद आपने यहाँ पे जो बोर्ड है आपका मैट्रिक का वो बोर्ड बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगर ग्रेड बताना चाहे तो ग्रेड बता सकते हैं, अगर डिवीजन बताना चाहे तो डिवीजन बता सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जो उसके मेजर सब्जेक्ट होते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, ये आपने सब्जेक्ट लिख के इंटर दबा देना है, ठीक है जी। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। इसी तरह से आपने जो भी जो रिमेनिंग आपकी डिग्रीज हैं आपने इस तरह से अपनी एड अप करती जानी है। उसके बाद यहाँ पे एड एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे बताना है, अदरवाइज इसको स्किप करके आपने सिंपली क्या करना है, आई सर्टिफाइड दैट पे क्लिक करके सबमिट योर एप्लीकेशन पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप का रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो आपके पास वेबसाइट है इसमें से ओपन करके आप अपनी इमेज अपलोड करके 30 KB तक आप अपनी इमेज साइज कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इजीली हो के आप अपनी इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आप इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं।